हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम EL 208 ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से लाउड स्पीकर एवं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स लाउड स्पीकर क्या होता है और इसकी क्वालिटी को हम किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाउड स्पीकर क्या होता है। तो लाउड स्पीकर वह ट्रांसड्यूसर होता है जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेम फ्रिक्वेंसी के साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। इसे आउटपुट ट्रांसड्यूसर या रिवर्स ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसड्यूसर क्यों? क्योंकि यह जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है जस्ट उसके रिवर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मीन्स जो इनपुट ट्रांसड्यूसर जो माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन क्या करता है, जो साउंड वेव्स हैं जो उसके इनपुट में आ रही हैं, उन साउंड वेव्स को सेम फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड और फेज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है उसके आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला है, और लाउड स्पीकर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, मीन्स लाउड स्पीकर क्या करता है, वो ये जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमें इनपुट ट्रांसड्यूसर के आउटपुट में मिले हैं, इन्हें सेम फ्रिक्वेंसी के साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसे आउटपुट ट्रांसड्यूसर या फिर रिवर्स ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। अब ये जो लाउड स्पीकर है इसकी क्वालिटी या परफॉर्मेंस को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं इनके बेसिस पे हम किसी भी लाउड स्पीकर की परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकते हैं। एफिशिएंसी, नॉइस, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, डिस्टॉर्शन, डायरेक्टिविटी, इम्पीडेंस, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लाउड स्पीकर की परफॉर्मेंस या क्वालिटी को डिफाइन करती हैं। इन्हें हम वन बाई वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एफिशिएंसी या सेंसिटिविटी। किसी भी लाउड स्पीकर के लिए एफिशिएंसी या सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट साउंड पावर टू द इनपुट ऑडियो इलेक्ट्रिकल पावर। मीन्स एफिशिएंसी क्या होती है कि जो लाउड स्पीकर है उसके लिए जो इनपुट ऑडियो पावर है उसके कंपेरिजन में आउटपुट साउंड पावर कितना है, यही उस लाउड स्पीकर के लिए की एफिशिएंसी को बताता है। और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इम्पीडेंस की प्रॉपर मैचिंग पे। मींस जो एयर वॉल्यूम की अकुस्टिकल इम्पीडेंस है उसको उसकी मैकेनिकल इम्पीडेंस के साथ प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए, और इसी इम्पीडेंस मैचिंग के बेसिस से ही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उससे साउंड आउटपुट मिलता है। सम मैन्युफैक्चरर्स क्यूट द एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी विच इज़ डिफाइंड टू बी द इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड टू गिव अ साउंड प्रेशर लेवल ऑफ 0.1 पास्कल और 1 माइक्रोबार एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द लाउड स्पीकर। मीन्स ये जो अगर हम इस एफिशिएंसी को सेंसिटिविटी के टर्म में डिफाइन करें तो वह क्या होगा कि जो लाउड स्पीकर है उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे 0.1 पास्कल का साउंड प्रेशर लेवल जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट सिग्नल कितना होना चाहिए, तो या उस इनपुट सिग्नल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो यही जो जस्टिफिकेशन है वही क्या होता है, सेंसिटिविटी। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि ये कोई लाउड स्पीकर है, मीन्स ये कोई पर्टिकुलर लाउड स्पीकर है, इसके लिए हम सेंसिटिविटी को अगर डिफाइन करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे। तो इस लाउड स्पीकर के लिए यहाँ पे इसके इनपुट में क्या है, इनपुट सिग्नल। तो ये जो इनपुट सिग्नल है ये हमें कितना रिक्वायर्ड है, ये हमें इसकी हमें उतनी रिक्वायरमेंट है ताकि 1 मीटर की डिस्टेंस पे 0.1 पास्कल का साउंड प्रेशर लेवल जनरेट हो सके। जैसे इस लाउड स्पीकर की सपोज ये 1 मीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 0.1 पास्कल साउंड प्रेशर। साउंड
प्रेशर। तो किसी भी लाउड स्पीकर के लिए सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे कि जो भी पर्टिकुलर लाउड स्पीकर है उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे 0.1 पास्कल साउंड प्रेशर 0.1 पास्कल का साउंड प्रेशर जनरेट हो सके उसके लिए कितने इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। तो यही जो जस्टिफिकेशन है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर लाउड स्पीकर की सेंसिटिविटी। ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार नेक्स्ट है नॉइस। किसी भी लाउड स्पीकर के लिए नॉइस क्या होती है? The unwanted sound not contained in the input signal but present in the output of a loudspeaker is called noise. Produced by the loudspeaker, the mechanical parts may vibrate at some resonant frequency causing noise. तो noise वह unwanted sound होती है जो कि input signal में तो present नहीं होती है but हमें loudspeaker के output में जो signal मिल रहा है उसमें वो present है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉइस। मतलब जो कि लाउड स्पीकर जो है उसके इनपुट उसमें जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसमें ये है साउंड प्रेजेंट नहीं है बट आउटपुट जो हमें मिलेगा लाउड स्पीकर से वहाँ पे हमें ये अनवांटेड साउंड मिल रही है। तो इस टाइप का जो अनवांटेड साउंड है उसे हम क्या कहते हैं, नॉइस। तो ये अगर इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट नहीं थी तो आउटपुट में कैसे मिली, इसका क्या रीजन है? तो जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनकी कुछ नेचुरल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें कि इनमें वाइब्रेशन होता है। तो मैकेनिकल पार्ट्स के रेजोनेंस की वजह से ही यह है अनवांटेड साउंड अकर होती है, नॉइस अकर होती है। इसे हम सिग्नल टू नॉइस रेशो से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम के लिए सिग्नल टू नॉइस रेशो कैसे डिफाइन किया जाएगा? सिग्नल टू नॉइस रेशो विच इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ सिग्नल आउटपुट टू द आउटपुट ऑफ नॉइस इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल। तो सिग्नल टू नॉइस रेशो कैसे डिफाइन करेंगे कि हम जैसे कि नॉर्मली हम सिग्नल आउटपुट ले लेते हैं लाउड स्पीकर से और नेक्स्ट हम लेते हैं लाउड स्पीकर का आउटपुट उस कंडीशन में जबकि लाउड स्पीकर के इनपुट में कोई सिग्नल नहीं है, मीन्स एब्सेंस ऑफ सिग्नल में हम लाउड स्पीकर का आउटपुट देखते हैं। तो प्रैक्टिकली तो वैसे तो अगर हम सिग्नल प्रेजेंट ही नहीं है इनपुट में तो आउटपुट में भी हमें 0 सिग्नल मिलना चाहिए बट अगर फिर भी स्पीकर के आउटपुट में हमें कुछ मिल रहा है तो वो क्या होगा, वॉइस। तो इस प्रकार से सिग्नल आउटपुट का अगर सिग्नल की एब्सेंस में हम लाउड स्पीकर के आउटपुट से जो कि नॉइस है उसके साथ रेशियो लेते हैं तो वही क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है किसी भी लाउड स्पीकर के लिए, यह कैसा होना चाहिए? तो जो साउंड की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है उसके लिए पर्टिकुलर लाउड स्पीकर का जो रेस्पॉन्स है वही फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को बताता है। और किसी भी आइडियल लाउड स्पीकर के लिए यह कैसा होना चाहिए? तो जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है 16 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ उसके लिए प्लस माइनस 1 डेसिबल एम्पलीट्यूड में यह फ्लैट रेस्पॉन्स देना चाहिए किसी भी आइडियल लाउड स्पीकर के लिए। तो द मास ऑफ डायफ्राम असेंबली हैव हाई फ्रिक्वेंसीज विच आर अटेनुएटेड एंड ड्यू टू सीरीज कॉम्प्लायंस लो फ्रिक्वेंसीज आर अटेनुएटेड। डायफ्राम के मास की वजह से हाई फ्रिक्वेंसीज पे अटेनुएशन होता है साथ ही सीरीज कॉम्प्लायंस की वजह से लो फ्रिक्वेंसीज पे अटेनुएशन होता है। फिर भी जो मूवेबल सिस्टम्स हैं उनकी कुछ नेचुरल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है जो कि ऑडिबल रेंज में ही होती है जिसकी वजह से नॉइस इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या होता है किसी भी लाउड स्पीकर के लिए? तो एनी चेंज इन फ्रिक्वेंसी फेज एंड एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द आउटपुट साउंड एज कम्पेयर टू द इनपुट ऑडियो सिग्नल इज कॉल्ड डिस्टोर्शन। मीन्स जो अगर हम देखें इनपुट ऑडियो सिग्नल के कंपेरिजन में अगर लाउड स्पीकर का आउटपुट देखें तो ये वो जो आउटपुट साउंड हमें मिल रही है लाउड स्पीकर से तो उसके अगर फ्रिक्वेंसी फेज या एम्पलीट्यूड में किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है इनपुट ऑडियो सिग्नल के कंपैरिजन में तो वही क्या होता है, डिस्टोर्शन। तो ये जो इस प्रकार मतलब कौन कौन से डिस्टोर्शन अकर हो सकते हैं, फ्रिक्वेंसी फेज एंड एम्पलीट्यूड। तो फ्रिक्वेंसी और फेज डिस्टोर्शंस जो हैं वो उनके अकर होने का जो कारण होता है वो क्या होता है, ड्यू टू मास एंड कॉम्प्लायंस इफेक्ट। मीन्स स्प्रिंग के मास और कॉम्प्लायंस इफेक्ट की वजह से
फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्टॉर्शन अकर होते हैं, और साथ ही जो एम्पलीट्यूड या जिसे हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं उसका रीजन क्या है, तो एम्पलीट्यूड और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन विल रिजल्ट ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल मूव्स। तो लाउड स्पीकर में जो मैग्नेट होती है जिस पे कि कॉइल मूव करती है, तो वो मैग्नेट जो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, उस मैग्नेट से अगर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में जो डिस्टॉर्शन आकर होगा वो होगा एम्पलीट्यूड या नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट है डायरेक्टिविटी। किसी भी लाउड स्पीकर की डायरेक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द साउंड इंटेंसिटी ऑफ ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर। मीन्स डायरेक्टिविटी क्या होती है किसी भी लाउड स्पीकर के लिए, कि जो जैसे कि जो भी लाउड स्पीकर हमारे पास है तो उसके लिए सबसे पहले हम मैक्सिमम इंटेंसिटी के डायरेक्शन में साउंड एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये जो एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी है इसी का कोई भी ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर के लिए तो साउंड इंटेंसिटी सभी डायरेक्शंस में सेम होगी, तो ये जो लाउड स्पीकर है पर्टिकुलर लाउड स्पीकर उसकी एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी का ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर की साउंड इंटेंसिटी के साथ जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं डायरेक्टिविटी। इसे हम इस टाइप से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो उसके लिए मैं इस प्रकार बताती हूँ इसे, कि ये जैसे कि हमें कोई लाउड स्पीकर दिया गया है, ये गिवन लाउड स्पीकर है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सपोज सभी डायरेक्शन में साउंड इंटेंसिटी निकालते हैं। सपोज इस ये जो डायरेक्शन है ये मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में हमें जो मिलेगी वो है मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी। मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी, तो हमने जो हमें लाउड स्पीकर दिया हुआ था उसके लिए हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी के डायरेक्शन में हमने एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी को निकाल लिया है। मींस इस डायरेक्शन में जो कि हमें क्या मिलेगी मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी, और यहाँ पे जैसे कि ये जो है वो है ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर, तो ये जो ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर है क्योंकि इसके लिए क्या होगा सभी डायरेक्शन में इंटेंसिटी क्या होगी इक्वल, तो ये इस डायरेक्शन के लिए चूंकि सभी डायरेक्शन में क्या है इक्वल इंटेंसिटी, तो जो हमें हमारे पास जो लाउड स्पीकर हमें दिया गया है उसके लिए हम डायरेक्टिविटी किस प्रकार निकालेंगे, उसके लिए हम डायरेक्टिविटी को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो उस पर्टिकुलर लाउड स्पीकर के लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की डायरेक्शन है उसमें मैक्सिमम या एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी कितनी है उसे हम डिवाइड करेंगे जो ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर है उसकी साउंड इंटेंसिटी कितनी है उसके द्वारा, तो हमें क्या मिलेगा इस पर्टिकुलर लाउड स्पीकर की जो डायरेक्टिविटी। मीन्स ये जो हमें गिवन लाउड स्पीकर है इसके लिए हमने यहाँ पे फाइंड कर ली कि हमें इस डायरेक्शन में जो है ये जो डायरेक्शन है ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो इसमें जो मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी होगी उसको उसका रेशियो हम लेंगे और जो ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर है उसकी साउंड इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि उसकी साउंड इंटेंसिटी तो सभी डायरेक्शन में इक्वल है, तो उसके साथ जो इसका कंपैरिजन होगा वही क्या होगी इस पर्टिकुलर लाउड स्पीकर के लिए उसकी डायरेक्टिविटी। नेक्स्ट है इम्पीडेंस। किसी भी लाउड स्पीकर की इम्पीडेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो लाउड स्पीकर की जो इनपुट इम्पीडेंस है उसे ओम में प्रदर्शित किया जाता है, मीन्स इसकी यूनिट क्या होती है ओम, और यह है जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि लाउड स्पीकर जो से जो सर्किट कनेक्ट होता है या जो भी सोर्स एम्पलीफायर कनेक्टेड है उसकी इम्पीडेंस का लाउड स्पीकर की इम्पीडेंस के साथ प्रॉपर मैच होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सोर्स एम्पलीफायर की इम्पीडेंस और लाउड स्पीकर की इम्पीडेंस में प्रॉपर मैचिंग हो।
इंस्टॉलेशन के लिए एक लंबे तार तथा फिक्स लाइन वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इंडिया में जो इसकी वैल्यू है वो होती है 100 वोल्ट, मीन्स इंडिया में लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या है 100, और यूएस में जबकि इसकी वैल्यू होती है 70 वोल्ट। मीन्स ये अलग अलग स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं, तो प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो इंडिया के लिए इसकी वैल्यू क्या है 100 वोल्ट। मीन्स पीक आउटपुट पावर पर एम्पलीफायर लाउड स्पीकर से जुड़ी हुई लाइन को कितना वोल्टेज देता है 100 वोल्ट। लाउड स्पीकर की इम्पीडेंस कम होती है, इसलिए लाउड स्पीकर के सिरे पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके वोल्टेज को घटा सकते हैं। तो हमें सपोज सोर्स एम्पलीफायर की ये इम्पीडेंस है, तो मैक्सिमम पावर जब हमें मिलेगी तो उस केस में हम ये कितनी होनी चाहिए, मीन्स यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर, यहाँ पे पी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम पावर। तो उस केस में इस सोर्स एम्पलीफायर की इम्पीडेंस कितनी है, आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, जहाँ पे पी मैक्स है। तो यहाँ पे इस केस में वी क्या होगा, चूँकि इंडिया के लिए जो लाइन वोल्टेज है वो कितना है 100, तो 100 × 100, तो ये होगी सोर्स एम्पलीफायर की इम्पीडेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। नेक्स्ट है, किसी भी लाउड स्पीकर के लिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो किसी भी आइडियल लाउड स्पीकर के जो है वो हाई एफिशिएंसी या सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत ही हाई होना चाहिए, मीन्स नॉइस मिनिमम होना चाहिए, फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ओवर मोस्ट ऑफ द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अब जो कंप्लीट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है 16 Hz to 20 kHz की रेंज में के लिए प्लस माइनस 1 decibel एम्पलीट्यूड में कंप्लीट फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर लाउड स्पीकर के लिए, तो वो आइडियल होगा। नेचुरल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑडिबल रेंज के बाहर होनी चाहिए ताकि नॉइस इंट्रोड्यूस ना हो सके। लो डिस्टोर्शन, मीन्स डिस्टोर्शन कम से कम होना चाहिए। करेक्ट आउटपुट इम्पीडेंस, प्रॉपर मैचिंग के लिए जो भी इम्पीडेंस रिक्वायर्ड होती है वो उस लाउड स्पीकर के लिए होनी चाहिए। लाउड नेक्स्ट है रिक्वायर्ड डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी जो जो कि नीड है पर्टिकुलर लाउड स्पीकर के लिए, जिस प्रकार से ज़रूरी है, तो वो उसी प्रकार होनी चाहिए। तो ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक आइडियल लाउड स्पीकर को डिफाइन करती हैं। तो आज का यह लेक्चर था लाउड स्पीकर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम लाउड स्पीकर की जो टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का ये लेक्चर इतना ही था, आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।